तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं जो आप सभी को बताने वाला हूँ पांच सबसे बेकार एप्लीकेशंस के बारे में जो कि आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड होंगी, आप जो उनको यूज़ करते होंगे, मगर जब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तब आपके समझ में आ जाएगी कि आपके फ़ोन में वो जो एप्लीकेशन पड़ी वो बेकार में पड़ी, आप उसको तुरंत के तुरंत अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो सभी लोग बताते हैं आपको पाँच सबसे बड़ी एप्लीकेशन के बारे में, मगर यहाँ पर मैं जो कुछ अलग बता रहा हूँ। तो पसंद आएगा वीडियो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और साथ ही साथ नीचे रेड कलर का बटन है तो क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही में नोटिफिकेशन जो बेल आइकन आएगा उसको जरूर दबा लेना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसको नोटिफिकेशन जो वो आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो यहाँ पर जो मैंने अपने मतलब मोबाइल में कुछ एप्लीकेशंस के नाम लिख रखे हैं, तो एप्लीकेशंस के नाम लिए मतलब एप्लीकेशंस की कैटेगरी है कि कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि मतलब आप यूज़ करते हो अपने फ़ोन में और उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर नंबर वन पर आती है फ्लैश लाइट एप्लीकेशन। तो आप जो करते क्योंकि अपने मोबाइल में को मतलब बहुत सारी फ्लैश लाइट की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखते हो ताकि और मतलब उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। ऐसा थोड़ी नहीं कि अब मतलब आपको बहुत सारे ऐसे मतलब थंबनेल्स में दिखा दिया जाता है मतलब प्ले स्टोर पर कि आप जो मतलब एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो उसमें से मतलब ब्लू कलर की लाइट जलेगी, रेड कलर की लाइट जलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो आपके मतलब फ़ोन के अंदर जैसे भी फ्लैश लाइट रहती है, एक रहती है मतलब नाइट में कुछ मतलब ऑरेंज शेड वाली जो जलती है, एक वो रहती है एक नॉर्मल जो वाइट कलर की रहती है वो, तो इन दोनों के अलावा और कोई भी मतलब जल ही नहीं सकती। आप बेमतलब के लिए मतलब डाउनलोड करके रखते हो उसका जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो जब भी आप नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली मतलब नोटिफिकेशन पैनल से जो वो डाउनलोड मतलब अपनी जो फ्लैश लाइट है उसको ओपन कर सकते हो, या फिर आपको जो आपका होम स्क्रीन है उस पर टैप करके रखिए और यहाँ पर विजेट नाम का ऑप्शन मिल जाएगा और आप यहाँ पर जा करके चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पर एक फ्लैश लाइट करके ऑप्शन मिल जाएगा, शायद मैं आपको यहाँ पर भी दिखा सकूँ, और अगर नहीं भी मिलता तो आप मतलब यहाँ से चालू करके मतलब फ्लैश लाइट जो अपनी वो कर सकते हो। तो आपको बहुत सारे फ़ोन में यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप जो ईजिली मतलब यहाँ से जो यूज़ कर सकते हो फ्लैश लाइट का, ठीक। और सेकंड नंबर पर आती है GB WhatsApp नाम जैसी एप्लीकेशंस, यानी कि मतलब GB WhatsApp ही नहीं Instagram की, YouTube की ऐसी बहुत सारी मतलब ऐसी क्रैक एप्लीकेशन आपको मतलब इंटरनेट पर मिल जाएगी जो कि आप अपने फ़ोन में मतलब यूज़ करते हो इस वजह से, ताकि मतलब जो उस एप्लीकेशन से यानी कि जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उससे जो थोड़ा बहुत अलग वर्क करती है, मगर आपको जो डेटा है वहाँ पर कभी भी लीक हो सकता है, आपके मतलब WhatsApp के साथ कुछ भी कभी भी छेड़छाड़ करी जा सकती है। अगर आप मतलब GB WhatsApp यूज़ करते हो तो आपका जो WhatsApp का अकाउंट है वो भी बैन कर दिया जा रहा है अब तो ऐसे में मतलब आप जो आपको करना है कि GB WhatsApp वगैरह जैसे एप्लीकेशन से तुरंत उसको अनइंस्टॉल करके आप जो ऑफिशियल जो मतलब WhatsApp वगैरह फिर जो भी मतलब YouTube वगैरह है तो उन सभी को डाउनलोड करके यूज़ कीजिए, वही मतलब बेटर है। उन सभी को यूज़ मत कीजिए, आपका डेटा कभी भी लीक हो सकता है, मतलब एक नॉर्मल बात ये थी। तो तीसरे नंबर पर आती है क्लीन मास्टर जैसी एप्लीकेशन, यानी कि बूस्टर एप्लीकेशन या फिर मतलब आप स्पीड बूस्टर एप्लीकेशन कह सकते हो, मतलब कि आपके जो फ़ोन है उसको बूस्ट कर देगा थोड़ा बहुत स्पीड में, यानी कि आपका फ़ोन हैंग वगैरह हो रहा है तो आप जो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हो क्लीन मास्टर, या फिर मतलब क्लीन मास्टर ही मतलब नाम जो मेरे को याद में आ रहा है इसी वजह से मैं क्लीन मास्टर बोल रहा हूँ। मतलब मेरे कहने का ये है कि आप मतलब पहले अपने फ़ोन में देखते हो कि मतलब यहाँ से ऐसे टच करके लेके आए बीच में और एक वो रॉकेट सा उड़ जाता था और आपकी वो जो फ़ोन की वो मतलब जो वो बूस्ट आपका जो फ़ोन है वो बूस्ट हो जाता था, मतलब थोड़ी बहुत जो डेटा आपका रहता था वो सब मतलब क्लियर कर देता था वो मतलब जो भी अननेसेसरी डेटा था, तो आप जो उसको मैनुअली भी मतलब डिलीट कर सकते हो अगर आप उसको अनइंस्टॉल करते हो तो, यानी कि एक तो आपके फ़ोन में वैसे ही रैम वगैरह कम है तभी आपका फ़ोन जो मतलब थोड़ा बहुत हैंग होकर चल रहा है, ऊपर से आप मतलब ऐसी एप्लीकेशन को मतलब इंस्टॉल कर लेते हो तो आपका जो फ़ोन है और भी ज़्यादा हैंग होने लगता है। तो आपको करना क्या, आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद मतलब सभी फ़ोन्स के लिए सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है स्टोरेज वाले सेक्शन में। स्टोरेज वाले सेक्शन में आपको जाने के बाद यहाँ पर मिल जाएगा कैशे डेटा करके मतलब या फिर कैशे मेमोरी करके कुछ मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा। तो अभी ये कैलकुलेट हो रहा है, कैलकुलेट होने के बाद जो है आप इसको डिलीट कर सकते हो, इससे मतलब कोई भी घाटा नहीं होगा, यानी कि आप अगर सोचो कि मतलब मेरी मेमोरी फॉर्मेट हो जाए, मगर ध्यान रहे कैशे मेमोरी करके जो है इसी को मतलब आप जो डिलीट करना अगर यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आता है तो मैं अभी आपके अभी के अभी आपको जो करके दिखा दूंगा। तो थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है वीडियो शूट करना तो इसी वजह से मैं अभी फिलहाल आपको नहीं करके दिखा रहा हूँ। तो आप जो है इसको डिलीट कर दीजिए और आपको जो फ़ोन है जितना भी मतलब हैंग होकर चल रहा होगा वो जो थोड़ा कम हो जाएगा। तो मतलब क्लीन मास्टर जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करके मत रखो, आपका फ़ोन जो है वही हैंग कर डालेगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पर मतलब जो आ चुका है, तो यहाँ पर कैशे डेटा है मेरे पास 2.47 GB, तो इतना डेटा है। अब मैं इसको ओके करके यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। तो अब जितने भी मतलब जो इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी मेरी मतलब मेरी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करे तो वो सभी को यहाँ से स्टॉप कर देता है और जो क्लियर कर देता है मतलब सारा डेटा मेरा। और चौथे नंबर पर आती हैं मतलब एक ऐसी एप्लीकेशन जिसका मतलब कोई भी फ़ायदा नहीं है आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने का, और चौथे नंबर की एप्लीकेशन के नाम है लॉक स्क्रीन वाली एप्लीकेशन। अब जो लोग करते हैं क्या है कि मतलब फ़ोन में फिंगरप्रिंट है नहीं, मगर तभी भी मतलब लोग नाम के लिए मतलब फिंगरप्रिंट जैसी एप्लीकेशन बहुत सारी ऐसी आती हैं, तो
लोग उनको इंस्टॉल कर लेते हैं, और मतलब जब भी फिंगरप्रिंट टैप करेंगे तो खुल जाएगा। जाहिर सी बात है वो किसी के भी फिंगर से खुल जाएगा। अगर आपके फ़ोन में पैटर्न लॉक है तो आप उसका यूज़ कीजिए, मतलब अपनी फ़ोन की सिक्योरिटी के लिए। अगर आप उसका यूज़ करते तो नॉर्मली आपका फ़ोन जो कोई भी मतलब ऐसे मतलब जो अपना थंब है उसको रखेगा तो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो आप फेस लॉक है बहुत मतलब जो फ़ोन आ रहा है फेस लॉक आ रहा है और स्क्रीन पर ही आपको मतलब एक मतलब ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप वैसी एप्लीकेशन का यूज़ मत कीजिए अगर आपके फ़ोन में मतलब ना ही तो फेस लॉक है ना ही फिंगर लॉक है। मेरे फ़ोन में फेस लॉक नहीं है मगर यहाँ पर जो है फिंगर लॉक है, तो ये भी उतना बेहतरीन काम नहीं करता है मगर जब भी ठीक वर्क कर जाता है तो आप जो है मतलब बेहतर यही रहेगा कि पैटर्न लॉक या फिर पिन या पासवर्ड जो है वो यूज़ कीजिए उन सभी एप्लीकेशन को यूज़ करने की वजह से। वहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलते हैं जिप लॉक। जिप लॉक का क्या मतलब है, मतलब पासवर्ड डालो या फिर ऐसे जिप को मतलब अनजिप कर दो तो वो मतलब लॉक खुल जाएगा। ये मतलब कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। आप सभी अगर आप फोन अपने फ़ोन में जो सिक्योरिटी रखना चाहते हैं यानी कि आपका फ़ोन जो आपके अलावा कोई और ना बंदा चलाए, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि केवल अपने फ़ोन में जो नॉर्मल पासवर्ड पैटर्न पिन या फिर मतलब जो है पैटर्न पासवर्ड जो वो सारी चीज़ें आप लगा करके रख सकते हैं, मतलब कोई भी एक पासवर्ड आप इनमें से चूज करके लगा। अब लास्ट एप्लीकेशन आती है एंटीवायरस जैसी। अब लोगों का मतलब भ्रम ये रहता है कि यार मेरे फ़ोन में जो वायरस है तभी जो मेरा फ़ोन हैंग चल रहा है उसके लिए मैं 360 सिक्योरिटी क्यों खील ये फलाना ढिमकाना, तो ऐसी सब लोग जो एप्लीकेशन को मतलब यूज़ करते हैं तो उनसे मैं आप सभी से बताना चाहूँगा वो मतलब कुछ भी नहीं होता है। मतलब आपके फ़ोन में ना ही तो वायरस आया रहता है ना ही कुछ ऐसी चीज़ें आई रहती है। तो अगर आपका मतलब आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपके फ़ोन में वायरस है तो आप जाइए गूगल पर मालवेयर बाइट्स करके एक मतलब एप्लीकेशन है, तो आप उससे एक बार फ़ोन को स्कैन कर दीजिए। अगर वहाँ पर आपको वायरस वगैरह दिखाता है तो ठीक है, वरना फिर उस एप्लीकेशन को भी तुरंत के तुरंत डिलीट कर दीजिए। फ़ोन में बेमतलब अगर स्टोरेज रखोगे तो आपको फ़ोन हैंग जरूर होगा, यानी कि आपकी कोई ऐसी फाइल पड़ी है जिसका आपको कोई भी यूज़ नहीं है, कोई ऐसा गेम पड़ा है, कोई ऐसी एप्लीकेशन पड़ी है जिसका आपको मतलब कोई भी यूज़ नहीं है, आप उसको मतलब एक आध महीने में आपने खोल लिया तो खोल लिया मतलब उस एप्लीकेशन को, वरना नहीं। जिन एप्लीकेशन को आप डेली मतलब डेली यूज़ करते तो उन्हें एप्लीकेशन को मतलब अपने फ़ोन में इंस्टॉल्ड रखें, या फिर कुछ पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन आती हैं, मान लीजिए अब मैं अमेज़ॉन नहीं यूज़ करता हूँ मगर मेरे फ़ोन में पड़ी है, क्यों पड़ी है भाई, उसको डिलीट मत करो। तो इसी तरीके से आपके फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशन पड़ी होंगे जिनका मतलब आप यूज़ नहीं कर सकते, जितनी भी एप्लीकेशन जो है डिलीट हो सकती है उनको आप डिलीट करके रखिए और आपको फ़ोन जो कभी भी नहीं हैंग होगा नहीं कुछ मतलब ऐसा वायरस वगैरह आएगा। तो ये थी मतलब 5 सबसे बेकार एप्लीकेशंस जो कि मतलब आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड रहती हैं। पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही साथ बताना कि यार आपको जो वीडियो हो कैसा लगा। Part 2 लाने की मैं इसका मतलब कोशिश करूँगा, मतलब अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आज की इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार नीचे रेड कलर का बटन है तो उसको क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लो, और साथ ही नोटिफिकेशन जो बेल आइकन आ रखा है उसको जरूर दबा लो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो आपके मोबाइल तक पहुँच जाए।